हे बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पोकेमॉन इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, लास्ट एपिसोड में हम लोग ने ब्लैक हॉर्न सिटी से होके न्यू बॉक्स सिटी से होके हम लोग विक्ट्री रोड के पास आ गए थे। तो ये जो केव है, ये है विक्ट्री रोड अपना। तो ये विक्ट्री रोड है, तो यहाँ पे भी हम जाते हैं। डैट केव गोज टू विक्ट्री रोड। आर यू नर्वस? नॉट इवन ए लिटिल, यू आर ए प्रेटी टफ किड देन। तो अभी हमें क्या, विक्ट्री रोड में जाना चाहिए, हमें जाना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ से और कोई रास्ता नहीं है। तो विक्ट्री रोड में चलते हैं अभी हम। तो फाइनली अभी हम विक्ट्री रोड में आ चुके। तो यहाँ पे एक बंदा है, ओह बैटल करेगा ये। आई एम ट्रेनिंग, यू आर ट्रेनिंग, लेट्स ट्रेन टुगेदर। तो वो भी ट्रेनिंग कर रहा है, हम भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो अब दोनों साथ में ट्रेनिंग करते। तो उसके पास एक हिटमॉनली है, हिटमॉनली के लिए मैं अर्थक्वेक ट्राई करना चाहूँगा। नेक्स्ट पोकेमॉन हिटमॉनचैन है, तो हिटमॉनचैन के लिए भी अर्थक्वेक बेटर ही है। तो फिर इस बार मैं आइस बीम ट्राई करता हूँ। स्काई अपरकट मार दिया भैया। अर्थक्वेक फिर एक बार ट्राई कर लेता हूँ। ओह चलो, इस बार लग चुका है अर्थक्वेक। क्या बोल रहे हैं, अ विस मैन वन सेट टू डू वॉट एवर इट टेक्स टू रीच योर गोल्स, बट लेवल ग्रीडिंग सक्स। तो लेट मी सी आउट मेरे पास कौन से पोकेमोन फिलहाल है। चार्जर्ड, स्वेलो, गाड़ीवॉर, टाइफ्लोजन, फ्रूटजेल एंड स्वाम्पट। तो सबसे ज़्यादा किसका लेवल कम है? तो फ्लोटसेल एंड स्वेलो का। तो फ्लोटसेल को मैं टॉप पे फिलहाल के लिए रख लेता हूँ, क्योंकि स्वेलो को तो मैं फ्लाई करने के लिए रखा था ज़्यादातर, मगर उसको मैंने ट्रेनिंग भी दे दी है थोड़ी बहुत। तो ये रास्ता बंद है, तो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। एक वाइल्ड पोकेमोन आ चुका है जो है ऑनिक्स। तो फिर फ्लोटसेल को अच्छी खासी ट्रेनिंग मिल सकती है ऑनिक्स से। तो यहाँ पे तो गार्ड है, गार्ड मतलब क्या बोल सकते हैं इनको हम, गार्ड मतलब बॉडी गार्ड तो नहीं बोल सकते, वॉचमैन ऐसा कुछ बोल सकते हैं इनको हम। तो द जोटोलिक इज जस्ट अप दिस स्टेप्स, या विक्ट्री रोड इज शॉर्ट इफ़ यू वॉन्ट इट टू बी, बट आर यू एब्सोल्युटली श्योर यू आर रेडी फॉर द लीग? तो हाँ, मेरे पास 8 बैजेस है, मेरे पोकेमोन भी लगभग सारे के सारे ट्रेन हो चुके। तो यस आई एम रेडी। वेल यू डू हैव द 8 बैजेस ऑफ जोटो, यू मे कम एंड गो हैज यू प्लीज। ओहो, तो यहाँ से हम डायरेक्टली जोटो लीग में जा सकते क्या? आई डोंट थिंक कि यहाँ से हम जा सकते यार। ओहो, हम डायरेक्टली जोटो लीग में आ चुके, तो हमें विक्ट्री रोड का लंबा चौड़ा रास्ता वॉक थ्रू करने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो ये पहली बार आई थिंक सो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि जहाँ पे भी मैं जाता हूँ विक्ट्री रोड के नाम पे हमें बहुत सारा पूरा एक बहुत बड़ा केव ट्रैवल करना पड़ता है, उसके बाद मुझे एक चैम्पियनशिप में पार्ट लेने का मौका मिलता है। अच्छा हुआ यार यहाँ पे विक्ट्री रोड छोटा सा ही था, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा यार, बहुत पसंद आया। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताओ यार। विक्ट्री रोड अचानक से इतना छोटा हो गया, मैंने सोचा भी नहीं था। मेरे को लगा था विक्ट्री रोड हमें जोटो लीग में एंटर होने के लिए बहुत बड़ा विक्ट्री रोड ट्रैवल करना पड़ेगा, क्योंकि टूनाट रीजन में तो ऐसा ही था, मगर जोटो में ऐसा नहीं है, तो ये अच्छी बात है। तो ये क्या है, जोटो लीग, द फिनाइल्स ऑफ द जोटो रीजन। तो अभी हम जोटो लीग में आज जा सकते हैं। ये कौन आ रही, सिल्ली आ चुकी है यहाँ पे। पंट पंट, हाउ डिड यू गेट हियर बिफोर मी, यू आर सपोज टू बी द स्लो पोक, देयर इज नो वे इन हेल, यू आर गोइंग टू बी द चैम्पियन ऑफ जोटो एंड टूनाट, दैट्स जस्ट नॉट फेयर एट ऑल, आई एम सपोज टू बी द चैम्पियन, आई विल बीट यू एंड प्रूव इट। तो सिली लगभग हमसे जल रही है यार, सिली जल रही है कि हम टूनाट रीजन की चैम्पियन तो है, अभी हम जोटो की भी बनने वाले, तो सिली हमें हरा के ये प्रूफ करना चाहती है कि वो हमसे कम नहीं है और वो भी चैम्पियन बन सकती है। तो अभी हमें सिली से बैटल करना पड़ेगा। तो इसके पास आई थिंक सो ग्रास टाइप पोकेमोन है, तो ब्रीलूम के लिए फिर फ्लोटसेल एक बेटर चॉइस नहीं है। तो यहाँ पर मुझे ट्राई आउट करना चाहिए अपने स्वेलो को, क्योंकि स्वेलो ब्रीलूम को हरा देगा, क्योंकि स्वेलो एक फ्लाइंग टाइप पोकेमोन है और फ्लाइंग टाइप मूव, सारे के सारे फ्लाइंग टाइप मूव ग्रास टाइप के ऊपर इफेक्टिव रहते हैं। तो फिर मुझे एरियलिस्ट ट्राई करना चाहिए। एरियलिस्ट स्वेलो का सबसे ज़्यादा पावरफुल मूव है फिलहाल जो मेरे पास है उसमें से। तो एरियलिस्ट से ब्रीलूम हार भी चुकी है और स्वेलो को अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, 1774 मिल चुका है। तो लगभग स्वेलो का लेवल अप होने वाला है, मगर पोकेमोन ट्रेनर सिली अभी रायचू को भेजने वाली है। तो रायचू के लिए फिर मुझे ग्राउंड टाइप पोकेमोन की ज़रूरत पड़ेगी जो है स्वाम्पट।
तो फिर मैं अभी स्वामपोर्ट को बुला के राइचू को हरा देता हूँ, फिर बाद में अगर और कोई ग्रास टाइप पोकेमोन आया तो मैं स्विच आउट कर लूँगा, क्योंकि सबका लेवल अप होना चाहिए और स्वामपोर्ट तो लगभग बहुत ज़्यादा ही लेवल अप हो चुका है उसका। तो इस बार मैं आइस बीम ट्राई करूँ या ब्लिजर्ड या फिर मडी वाटर। तो राइचू एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन है तो उसके ऊपर ग्राउंड टाइप मूव ही ज़्यादा इफेक्ट देंगे, तो अर्थक्वेक ही ट्राई करता हूँ और देखते हैं अर्थक्वेक से ये हारता है कि ओ चलो सुपर इफेक्टिव मूव था और हार भी गया। तो अब कौन आ रहा है भाई, हुस नेक्स्ट नया कौन है, मैगानियम आ रही है। तो मैगानियम के लिए फिर मैं सोलो को बुला लेता हूँ, क्योंकि स्वामपोर्ट एक ग्राउंड एंड वाटर टाइप पोकेमोन है और मैगानियम प्योर ग्रास टाइप पोकेमोन है, और ग्रास टाइप मूव ग्राउंड एंड वाटर दोनों के ऊपर इफेक्टिव रहते हैं, तो स्वामपोर्ट का जीतने का चांसेस तो है क्योंकि उसका लेवल इससे बहुत ज़्यादा था, मगर हम एडवांटेज लेके यहाँ पे बैटल करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मैं फिर एक बार इस बार विंग अटैक ट्राई करता हूँ, विंग अटैक भी एक अच्छा मूव है। ओहो तो मैगानियम इस बार हारी नहीं है, ब्रिलूम हार चुकी थी एक ही अटैक में, तो बॉडी स्लैम से स्वेलो पैरालाइज हो चुका है। तो फिर इस बार मैं एरियल एज ट्राई करता हूँ एक और बॉडी स्लैम, तो फिर स्वेलो पैरालाइज भी हो चुका है, तो मगर उसका अटैक अच्छा हुआ, मिस नहीं हुआ, सुपर इफेक्टिव मूव था एरियल एज और मैगानियम हार चुकी है। तो नेक्स्ट पोकेमोन कौन है सिली का, गार्चॉम। तो गार्चॉम के लिए मेरे पास आइस टाइप मूव है जो मैंने स्वामपोर्ट को भी सिखा के रखा है और फ्लोटजेल को भी सिखा के रखा है, तो फिलहाल मैं फ्लोटजेल को बुला लेता हूँ क्योंकि गार्चॉम फ्लोटजेल से हार ही जाएगा, क्योंकि फ्लोटजेल के पास आइस टाइप मूव है और भाई फ्लोटजेल का लेवल कम है, इसके लिए उसको मैदान में उतारने में कोई बुरी बात नहीं है। तो फिर अभी गार्चॉम लगभग हार ही जाएगा क्योंकि उसके ऊपर इफेक्टिव मूव अटैक हो चुका है। ओहो तो गार्चॉम हार चुका है अभी, तो लेट मी सी नेक्स्ट कौन है, किंगड्रा। तो किंगड्रा एक वाटर एंड ड्रैगन टाइप पोकेमोन है और उसके लिए मुझे थंडर टाइप अटैक चाहिए, तो गाड़ी वॉर के पास ही थंडर टाइप अटैक है और किसी के पास नहीं है, तो एक थंडर टाइप पोकेमोन हमें झोल करना पड़ेगा यार, क्योंकि और कोई थंडर टाइप मूव सीख ही नहीं सकता यार, प्रॉब्लम ये है ना। तो अभी मुझे थंडर टाइप अटैक करना पड़ेगा और लीग में जाने से पहले मुझे अपने सारे पोकेमोन की अटैक चेकआउट करने पड़ेंगे और उन्हें अच्छे अच्छे मूव सिखाने पड़ेंगे, क्योंकि लीग में एंटर होने से पहले मुझे भाई बहुत अच्छे से पोकेमोन को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी वरना मैं हार जाऊंगा, और आप तो जानते ही होंगे कि एलाइट फोर को हराना कितना मुश्किल है। तो अब यहाँ पे एब्जॉल आ रहा है और एब्जॉल एक डार्क टाइप पोकेमोन है, गाड़ी वार उसको हरा नहीं सकती क्योंकि वो साइकिक टाइप पोकेमोन है, तो उसके अटैक भी उसको इतने कुछ काम के नहीं रहेंगे। तो अभी मुझे चारिज़ार्ड को बुलाने का मन हो रहा है, तो मैं चारिज़ार्ड को ही बुला लेता हूँ। चारिज़ार्ड मेरा फेवरेट पोकेमोन है, कांटो रीजन का तो है ही भाई, कांटो रीजन में अगर मेरे को स्टार्टर चूस आउट करने को मिलेगा तो मैं चारिज़ार्ड को ही चूस आउट करूँगा, मतलब मैं चार्मेंडर को चुनूँगा क्योंकि वो चारिज़ार्ड बनता है। अभी आप लोग में से बहुत लोग बोलोगे कि ब्लास्टोस को क्यों नहीं, क्योंकि भाई मेरा चारिज़ार्ड अपना अपना एक पैशन होता है और अपना अपना एक फेवरेटनेस होता है, तो मेरा फेवरेट चारिज़ार्ड है इसके लिए। तो यहाँ पर चारिज़ार्ड ने एब्जॉल को हरा दिया है और अब हम शायद से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि सिली का लास्ट पोकेमोन एब्जॉल था और फाइनली अब हम आगे बढ़ सकते हैं पोकेमोन लीग के अंदर। तो सिली हमें हरा के प्रूफ नहीं कर, सिली हमें हरा नहीं पाई, तो इसका मतलब हम लोग सिली से बेटर है। सिली नो, ओहो ये नो बोल रही है, मतलब इसको हार के अच्छा नहीं लग रहा है। तो अभी हारने के बाद ग्रो, फाइन आई गेट इट, यू आर ए ग्रेट बैटलर। ओहो हम एक ग्रेट बैटलर है, यू डिजर्व टू बी चैम्पियन, ब्ल ब्ल Go ahead and be champion if it means so much to you. I have got other plans. See ya. तो सिली भी हार के बोल रही कि जाओ जाओ यार तुम चैम्पियन बन जाओ, तुम मुझसे ज़्यादा डिजर्व करते हो चैम्पियन बनना। तो सिली अभी वापस जा चुकी है, अब हम चलते चैम्पियन बनने की ओर। तो यहाँ पे अभी हम फाइनली जोटो लीग में अभी हम एंटर हो चुके हैं, जोटो लीग के हॉल में। तो यहाँ पे एक लेडी है, जोटोस एलाइट फॉर एजेंट सिली लाइक द वन इन टू नाइट, दे स्पेशलाइज इन टाइप्स जस्ट लाइक नॉर्मल द नॉर्मल टाइप में अच्छे खासे है क्या, सैडो। ओ हे पॉल, आई हैड ए फीलिंग यू हैड चैलेंज द लीग, आई जस्ट फिनिश माई चैलेंज एंड आई वॉज क्रेम्ड, बट डोंट वरी आई एम गोइंग टू ट्रेन हार्ड, हाउ अबाउट वी बैटल एंड सी हाउ गुड आई एम। तो फिर मुझे ट्रेनिंग तो लेनी है, तो
तो एक मिनट में पोकेमोन नर्स जॉय से, ओ यू आर बिजी, डेट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, टेक केयर। तो मैं यहाँ पे अपने पोकेमोन को एक बार हील करा लेता हूँ, फिर बैटल करता हूँ उससे। उसका नाम तो सेटो है ना, वो आई थिंक सो मुझसे बैटल करने के लिए वहाँ पे बैठा है। तो यहाँ पे फिर मैं बैटल कर सकता हूँ, तो हम बैटल कर सकते हैं अभी। तो इसके पास 6 के 6 पोकेमोन है, और पहला पोकेमोन ही हाउंडूम है। तो हाउंडूम को हराने के लिए फिर मेरे पास वाटर टाइप मूव है, मगर हाउंडूम एक डार्क टाइप पोकेमोन है, तो प्रॉब्लम ये पड़ता है कि वो डार्क टाइप पोकेमोन है। तो फिर वो हारा तो नहीं है, मगर उसने डार्क टाइप अटैक कर दिया है फ्लोटजिल के ऊपर, फेंट अटैक कर दिया है, तो वो भी एक डार्क टाइप मूव है। तो इस बार मैं आइस बीम ट्राई आउट करता हूँ। तो पोकेमोन ट्रेनर सैटो ने फुल रिस्टोर यूज़ कर लिया है, तो अभी हाउंडूम का जो हेल्थ है फुली रिस्टोर हो चुका है, तो अभी उसे हराने में और मज़ा आएगा। तो आइस बीम इसके ऊपर इतना इफेक्ट नहीं देगा जितना मैंने सोचा था, इसके लिए मैं सर्फ ट्राई आउट करता हूँ। सर्फ अटैक करने में ही फ़ायदा है। तो इसने फ्लेम थ्रोअर कर दिया, तो फ्लोटजिल को फ्लेम थ्रोअर इतना कुछ डैमेज नहीं देगा क्योंकि वाटर टाइप पोकेमोन है। तो यार यहाँ पे तो अच्छा खासा डैमेज दिया है। तो इस बार हाउंडूम गया, हाउंडूम की कहानी इधर ही ख़त्म हो सकती है, हो गई है। चलो हाउंडूम की कहानी इधर ही ख़त्म हो गई है, पोकेबॉल के अंदर जाएगा अभी, और फिर बाद में नर्स जॉय से हील होकर वापस आएगा। तो इस बार पॉरीगॉन जी आ चुका है, तो फिर मेरे ख्याल से इस बार मैं किसको बुलाऊँ, बेटरली मैं चार्जार्ड को बुलाता हूँ, क्योंकि चार्जार्ड का लेवल 71 है, और उसको ट्रेनिंग दे के मैं जितना स्ट्रॉन्ग बनाऊँगा उतना मेरे लिए फ़ायदा रहेगा। और चार्जार्ड को फ्लेम थ्रोर मूव आता है, अर्थक्वेक तो मैंने अभी नया नया सिखाया है उसको, विंग अटैक भी आता है फ्लेम थ्रोर। तो मैं कट अटैक को डिलीट करवा के उसको कुछ अच्छा मुझे सिखा दूँगा, क्योंकि अभी मुझे लीग में जाना है, और मैं सारे TM HM डिलीट करवाने वाला हूँ। लीग में जाने से पहले मैं सारे HM से डिलीट करके उन्हें TM सिखाने वाला हूँ, क्योंकि TM मेरे को लगता नहीं उतनी पावरफुल है। सिर्फ मैं सर्फ अटैक रखूँगा, क्योंकि एक सर्फ अटैक ही है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल HM है अब तक का। तो पॉरीगॉन को हराने के लिए, पॉरीगॉन जी को हराने के लिए अब मेरे पास फ्लेम थ्रोअर से अच्छा कोई ऑप्शन बचा नहीं है। अर्थक्वेक मेरे को लगता है कि अर्थक्वेक पॉरीगॉन जी को लगेगा नहीं, क्योंकि वो हवा में, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि मैग्नीट्यूड की वजह से, अगर मैग्नीट्यूड की वजह से तो अर्थक्वेक लगेगा, मगर चार्जार्ड की फ्लेम थ्रोअर ने उसको हरा दिया, तो अर्थक्वेक तक जाने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो नेक्स्ट कौन है, फरेलीगेटरी। तो फरेलीगेटरी प्योर वाटर टाइप पोकेमोन है, तो फिर गाड़ीवार के पास थंडर टाइप मूव है। यार मुझे को इसका ही बहुत डर लगता है, अगर कोई फुली वाटर टाइप पोकेमोन लेके आ गया और वो लेजेंडरी रहे, तो फिर हमारे पास एक ही पोकेमोन के पास है जो थंडरबोल्ट अटैक है, और किसी के पास थंडर टाइप मूव का नामो निशान नहीं, तो हम क्या करेंगे? तो क्या हम गाड़ी वार के ऊपर डिपेंड रह सकते हैं? मगर यार गाड़ी वार का लेवल भी इतना हाई फाई नहीं है कि हम कोई भी पोकेमोन को हरा सकें, और एक पोकेमोन को तो हमारी गाड़ी वार आराम से हरा सकती है, मगर अगर 2-3 पोकेमोन आ गए तो फिर गाड़ी वार भाई कितने पोकेमोन को हराएगी, ये प्रॉब्लम पड़ता है। तो फिर थंडर टाइप मूव की हमें ज़रूरत तो है, तो फिर मुझे स्वेलो को बदल के आई थिंक सो मुझे किसी और पोकेमोन को रखना चाहिए क्या, या फिर मुझे एक फ्लाइंग टाइप रहने देना चाहिए। तो यहाँ पे तो सेलेमेंस आ रहा है, एक ड्रैगन टाइप पोकेमोन है, और एक सूडो लेजेंडरी पोकेमोन भी है, मगर ड्रैगन टाइप है ना, तो फ्लोटजिल को मैं बुला लेता हूँ। अब फ्लोटजिल से मैं एक अटैक करवाना चाहता हूँ, आइस बीम करवाऊँगा तो सेलेमेंस हारने की कगार पर आ जाएगा, और वो हार भी सकता है। तो फिर मैं आइस बीम ट्राई करता हूँ। आइस बीम एक सुपर इफेक्टिव मूव है गार्चोंक सेलेमेंस के ऊपर, सेलेमेंस भी एक ड्रैगन टाइप पोकेमोन है गार्चोंक के जैसा, तो इसके लिए इसको तो ये थोड़ा सा इसका HP बच चुकी है। अब इसने फ्लाई अटैक किया है, तो फ्लाई अटैक करने के लिए मैं क्या करूँ भाई, आई थिंक सो कोई पोकेमोन है जो फ्लाई से बच सके, तो यहाँ पे तो कोई नहीं है। एक मिनट, तो अगर वो हवा में गया तो मैं ज़मीन के नीचे जा सकता हूँ, मैं डाइव अटैक करता हूँ। आ जा भाई, तू हवा में गया तो क्या हुआ, मैं डाइव अटैक कर लिया हूँ, अब उसका अटैक मेरे को लगेगा नहीं। तो इसको बोलते दिमाग का यूज़ करना, मगर उसकी जो ट्रेनर है साटो ने, उसने फुल रिस्टोर यूज़ कर लिया है, तो अब मेरा डाइव उसको लगेगा कि नहीं, इसमें भी मैं सौर नहीं था मगर लग चुका है डाइव। तो हम आइस बीम यूज़ कर सकते हैं अभी, इस बार हमें फर्स्ट हिट मिला है, तो पहले हमारा आइस बीम लगा है सेलेमेंस को,
और इस बार वो टोटली लॉस्ट हो चुका है, मतलब हार चुका है। नेक्स्ट कौन है, हु इज़ नेक्स्ट, कम फास्ट। ओह हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन भी एक ड्रैगन टाइप पोकेमोन है, तो उसके लिए भी आइस टाइप मूव एक बेटर चॉइस है, तो आइस टाइप से उसे मैं हरा दूंगा। ओहो क्रिटिकल हिट था मगर वो हारा नहीं यार। ओहो हम हार चुके हैं अभी। तो अभी मेरे पास स्वैम्पर्ड भी है जिसके पास आइस टाइप मूव है, और एक नहीं शायद से दो दो आइस टाइप मूव है, ब्लिजर्ड एंड आइस बीम। मेरा शक सही था, इसके पास दो दो आइस टाइप मूव है। तो हो तो फिर ट्रेनर ने फुल रिस्टोर यूज़ कर लिया सैटो ने, तो फिर इस बार आइस बीम अगर इसको सही निशाने पे लगेगा तो ये फेंट हो जाएगा। अगर इस बार आइस बीम से फेंट नहीं हुआ तो मैं ब्लिजर्ड ट्राई करूँगा, क्योंकि ब्लिजर्ड अटैक का जो पावर है वो आइस बीम से ज़्यादा है, तो फिर मैं अभी ब्लिजर्ड ट्राई करने वाला हूँ। तो भाई हाइड्रोजन ने ड्रैगन ब्रेथ अटैक कर दिया, तो फिर भाई अभी ब्लिजर्ड से देखते हैं हारेगा कि नहीं। तो मेरे ख्याल से तो हार जाना चाहिए, क्योंकि ब्लिजर्ड एक बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक है, और ब्लिजर्ड से भाई हाँ चलो हार चुका है, तो और कोई इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है, आप सब लोग मेरे से ज़्यादा स्मार्ट हो मुझे मालूम है। तो सोलोवर 68 लेवल अप पे आ गया है, तो लेट मी सी नेक्स्ट पोकेमोन एस्पियन है, तो इसकी लास्ट जो पोकेमोन है एस्पियन, और इसके लिए मैं डार्क टाइप मूव चाहिए, तो डार्क टाइप मूव तो नहीं है, तो फिर मैं अर्थक्वेक से ही काम चला लूँगा, वरना आइस बीम ब्लिजर्ड और मडी वाटर भी है मेरे पास। तो इस बार मैं पहले अर्थक्वेक ट्राई करता हूँ, तो उसने तो हमारे पास साइकिक ट्राई किया है, तो साइकिक से स्वैम्पर्ड हारने वाला तो नहीं था, इतना तो मेरे को मालूम ही था। ओहो तो इस बार मैंने इसको तो हरा दिया, चलो एस्पियन हार चुका है फाइनली। तो चलो मैंने एस्पियन को हरा दिया है, तो अब क्या है, वेल आई थिंक दिस मीन्स दैट आई बेटर गो ट्रेन सम मोर, सी यू अराउंड पॉल। तो ये तो भाई हार के चले गए ट्रेनिंग के लिए, तो अभी हमें क्या लीग में जाना चाहिए। यहाँ पे एक बंदा है ऊपर बैठा हुआ है, तो इससे हम बात कर लेते हैं। ओहो लक बॉय, इससे तो हम पहले भी बैटल कर चुके, आई थिंक सो हम इससे कोई फाइटिंग डोजो में बैटल किए थे। कैन यू बिलीव वी मेड इट दिस फार, नॉट लॉन्गर टिल द गेम इट्स टोटली फिनिश्ड। लक बॉय लगता है हार गए। तो हे फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि इसके अंदर हम जोटो लीग में एंटर हो चुके हैं, और यहाँ पे हमने शिल्ली को हराया और साटो को हराया, तो दो दो पोकेमोन ट्रेनर को हरा के हमने अपने पोकेमोन को थोड़ा एक्सपीरियंस दिया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं अपने चैनल पर लगभग डेली अपलोड करने वाला और करते भी रहता हूँ। तो बाय बाय फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, एंड प्लीज़ वॉच माय ओल्ड वीडियोस ऑल्सो, एंड डिस्क्रिप्शन को एक बार प्लीज़ चेकआउट करना, क्योंकि उसके अंदर आपको बहुत कमाल के लिंक्स मिलने वाले।